अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई नो कि मैं पूरा रमज़ान व्लॉग नहीं डाल पाई, बट ट्रस्ट में मेरे रोज़े बहुत अच्छे से गए। एंड हाँ, डेली व्लॉगिंग मुझसे नहीं हो पाती है बिकॉज़ आई एम नॉट यूज टू डेली व्लॉगिंग। एंड एक है कि मैं रियलिटी में बहुत कम बात करती हूँ, इसलिए मुझे ना कुछ दिन ब्रेक लेना होता है ताकि मुझे पता चले कि मुझे बोलना क्या है। आई एम अ न्यू बिगिनर ओवर हियर, तो येस आई एम सॉरी अगर मेरे को आई रिक्वेस्ट कि डेली व्लॉग करूँ बट मुझसे नहीं हो पाता है। कैमरा में मैं बोल लेती हूँ बट मुझे थोड़ा गैप चाहिए होता है, तो यही रीज़न है कि मैं डेली व्लॉग नहीं कर पाई। बट इंशाल्लाह आगे करूँगी बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे कुछ सीरीज़ निकालने के प्लान है। जैसे जैसे मैं आगे आगे ट्रैवल करूँ, बट थोड़ा टाइम लगेगा उस सब के लिए, मुझे अडाप्ट होने के लिए टाइम लगेगा। आई कैन से अभी काफ़ी टाइम से ब्रेक हो गया, तो आई नो व्हाट टू से, ये है। एंड सेकेंडली, आज एक सरप्राइज़ है जो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, आई थिंक अपने साथ भी लेकर जाऊँगी एंड मैं आप लोगों को बहुत जल्दी रिवील करूँगी। फिलहाल मेरा भी आज दरगाह जाने का प्लान है बैतूल की, एंड फिर वहाँ से अगर टाइम बचा तो हम लोग सनसेट भी देख लेंगे केवदी गोवा में। और ये कौन आ रहा है? कोई तो आया, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। देखो कौन मेरे घर पे टपकी है। ओ भाई हट, तू बिना बताए कैसे आ गई? अबे अबे मेरा फोन टूट जाएगा। तू बिना बताए कैसे? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे यार अचानक सरप्राइज कैसे दे दिया तूने मुझे? तेरी इतनी हिम्मत तेरी इतनी हिम्मत तूने मुझे बताया नहीं। तुझे पता है तू अगर थोड़ा देर लेट होती ना, मैं भी निकल गई होती बाहर। किधर जा रही थी तू? अरे सरप्राइज आ रही है सरप्राइज। अबे नहीं, यू विल फील प्राउड ऑन मी। बाय द वे स्पेशली बिरयानी के लिए आई है। हाँ मुझे पता है, सीक्रेट लालची लालची जंगली बिल्ली, मुझे पता है ये बिरयानी के अलावा मेरी याद तो कभी आती नहीं इसको। इतना अच्छा लग रहा है, ईद मुबारक। और मैं अच्छी नहीं लग रही, मुझे गैस हुआ। पता है तूने गैस हुआ बोल रही हूँ, मुझे गैस हुआ मुझे और मुझे अंदाजा हुआ, गैस किया था मैंने। ये लापरवाह है लेकिन आप नहीं मुझे मैंने गैस किया नहीं नहीं ये मजबूर है लेकिन आप नहीं। खुशबू देखे रुक रहा नहीं, इसकी परंपरा है ऐसे नहीं कर। ये छोटी बच्ची हो क्या? बच्ची हो क्या? ऐसे नहीं ऐसे कर लो। आलू नहीं रहता बिरयानी में, वो तेरा वेज बिरयानी नहीं है, ये नॉन वेज है, ये पुलाव नहीं है जिसको तुम लोग अनफॉर्चुनेटली बिरयानी बोलते हो। मसल के नहीं, परंपरा से मसल के अच्छे से स्मैश करके। यस ओके हाँ, टेक अ बाइट टेक अ बाइट। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट। कोई इसके 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। छोटी बच्ची हो क्या? चल आधा पैक करके ला। इतना ही था, इतना पैसा में इतना मिलेगा। आ चुका है हमारा नया एसी, और ये पुराने एसी को टाटा बाय बाय करने की। ये एसी भी बेस्ट है बट इसमें कूलिंग कम हो गई थी जिसकी वजह से ये बेस्ट है। तो लग रहा है, और यहाँ पे मेरा चल रहा है शीरखुरमा, जो अभी मैंने व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, और अभी मैं जाके थोड़ा सा जल्दी रेडी होऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, जाके मैं रेडी होती हूँ एंड फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फाइनली आई एम रेडी एंड अब मैं निकल रही हूँ जल्दी से वहाँ पे जहाँ पे सरप्राइज है, एंड फिर उसके बाद मैं प्लान करती हूँ। वैसे धूप बहुत है तो चलो चलते हैं। इसको अलविदा करने का टाइम आ गया और ये भाग रही है बिरयानी और शिरकुमा खा के, पर मेरी ईदी इसने अभी तक अभी नहीं दी है। मुंह छुपाने बस, मुंह छुपाने बस यही चाहिए था मुझे, मुंह छुपाने के लायक है। तुम मुंह छुपा, जनता जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। हेलमेट छोड़, समझ समझ हेलमेट छोड़।
जा बाय बाय वापस मत आना बाय। तो उसका और मेरा चलता रहेगा, बट फिलहाल मैं अभी चल रही हूँ स्कूटी पे अपने दादा को लेने के लिए और वहां से मैं दादा को लेके सरप्राइज की तरफ चलती हूँ। बट इसका सिस्टम बहुत अलग है, जैसे इसका स्टार्ट इधर है, स्टार्ट इधर नहीं है, पहले इधर होता था। खोली है? नहीं वो खुली है, उसको बंद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देख सीट खोलने का भी है और फ्यूल खोलने का भी है। ऐसे नहीं, पहले की ऑन कर। वैसे नहीं, सेकंड है ना ये, फर्स्ट ऑन रखा, अभी ऑन कर। सी फ्यूल का खुल गया, नाइस ना, उतरने की जरूरत नहीं, करने की कुछ जरूरत नहीं, बैठे बैठे काम हो जाएगा। हाँ फुल किए रख, मेरी गाड़ी में कम है, जरूरत नहीं है उमर, मैं नहीं भर रही चोर कहीं का। नहीं नहीं, लिटरली ये सब लेके आया है पेट्रोल वेट्रोल भराने के लिए भाई, मुझे दूर जाना है। इतने लेते थे? ना ना ना, नहीं 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 नहीं। अच्छा भाग के पाइप लेके आए, जैसे मैं दान कर रही इधर है। पेट्रोल महंगा हो गया भाई, किडनी के भाव में पेट्रोल मिल रहा है। इसको देखिए भाई, गिरा देगा। रख रख रख, ले लेना, चल पचास ले लियो। मुझे पता भी नहीं चल रहा, एक तरफ से दादाबू के लिए भी है। हाँ आराम से, स्टैंड लगा हुआ है क्या, गाड़ी चलाने निकला है। बस 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 ठीक है। सबसे छोटा है तू। हाँ तो हाइट देर से ज्यादा लंबा है। हाइट से क्या करना है, असल में तो हाइट बच्चा है। रो बोलती मत, टीवी आ रहा है। आई तू मेमड़ गाजू करंता, मेमड़ी जेब भरे ली हुई थी, तो जेब कंजूस नहीं हुई थी, खाली जेब। रिचार्ज करी कि नहीं बिचो? देवी हो जो जल्दी। हां आ रहा, विनती हो बेवड़ा, मिचो आशीर्वाद गिन, समझे ना, तुझे बाहर जितरा तो बच्चा थी ना, मारवाड़ी को पकड़ा, मैं भी तेरे मिस्टेक पकड़ा। क्या 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 मेमन जो मेमनी में बोल, मेमन में जो मेमन गाइस
मेमन से बच्चों को क्या बोलते हैं? मेमन जो बच्चा, मेमन जो छोकरो, छोकरो नहीं रे, मेमन जो बच्चा, एक से ज्यादा बच्चे होते हैं मेमन के। मेरा कि मैं के मेरे ही बाजू की तू मारवाड़ी है रे, तू अपनो बच्चों पे प्लान कर रहे, लेट करनो हेरो है तो जो तुझे पहले शादी तो थी भी ने भरी ने रखी आईफोन आईफोन क्रो शो मारे तो आओ भी मारी सी गाती आओ भी मैं मरी बच्ची क्रो आए क्रो तो बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि मैं उसके साथ लड़ रही थी या उसको झगड़ रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ी सी ना मैं खड़ूस मेमन टाइप एक्टिंग कर रही थी। जो बुजुर्ग होते हैं ना थोड़े से थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो मैं बस उनकी जैसी एक्टिंग कर रही थी थोड़ा फनी वनी करने के लिए। मुझे ये क्लिप वैसे भी मुझे पता नहीं चली, मेरे भाई ने छोटे से हल्लू से ले ली तो मैंने डाल दी क्योंकि मुझे थोड़ी फनी लगी। एक्चुअली मैंने ना उसे फ्री में रिचार्ज करा लिया। हाँ, मैंने ना ये बोल बोल के उसको फ्री में रिचार्ज करवा लिया। तो यही होता है बड़ी बहन होने का फायदा, थोड़ा रोक वोक जमा लेते हैं यार। तो अभी चलते हैं क्योंकि ना अभी 6 बज रहे हैं शाम के। हम लोग को वहाँ पे होंडा शोरूम में काफ़ी टाइम लग गया। वेल, बाइक आ गई। तो यस, ये बाइक ली है मैंने एंड ज़्यादा मैं चलाऊंगी, दादा चलाएंगे। एक तरीके से उनको भी था नई बाइक लेनी है, तो मैंने बोला मैं ले ही रही हूँ तो तुम भी चला लेना, इसमें मैं भी चला लूँगी, तो मिल बैठ के हम चला लेंगे। एंड बाइक थोड़ी शॉर्ट भी पड़ रही थी तो मैंने सोचा कि हाँ एक लेनी बनती है, तो इस वजह से ले ली। ईद के दिन एक जैसे मेरे लिए गिफ्ट हो गया। अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 एंड मैंने कर लिया है चेंज, क्योंकि आई जस्ट रियलाइज कि जहाँ मैं निकल रही थी वहाँ जाते थे 6 बजे तो बंद हो जाएगी दरगाह। फिर उसके बाद दरगाह बंद होने के बाद जहाँ पे मैं केव दी गोवा जाऊंगी तो वहां पे भी सनसेट चला जाएगा, तो मैं इतना पेट्रोल जलाऊं, वैसे पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो मैं वहां पे इतना जाके करूंगी क्या। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी अभी संडे के दिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ, या तो कारवार प्लान करूंगी या तो बेतुल का फुल सीरीज कवर करूंगी कि फोर्ट का, फिर बीच का, फिर शेक्स का, फिर एक दिन पालोले का मैंने सोचा है कि कवर करूं। तो इस तरीके से अब मेरे ट्रैवल व्लॉग्स स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्द एंड एक एक सीरीज में लाते रहूंगी फुल टू इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड मेरा मेन गोल वही रहेगा कि ट्रैवल से ही रिलेटेड मैं थोड़ा कंटेंट आगे डालूं। अब मैंने जो मैं अब तक घर पे थी तो अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड डाल रही थी, अब मैं सोच रही हूँ कि टोटल अब ट्रैवल के लिए स्टार्ट कर दूं निकलना। रमजान खत्म हो गया, मैं इन रमजान की वजह से रुकी हुई थी, रमजान हो गया है, अब बारिश का टाइम स्टार्ट है तो वाटरफॉल्स की सीरीज मुझे स्टार्ट करनी है बहुत जल्दी। सो लेट्स सी, जून के स्टार्ट में एकदम से वाटरफॉल नहीं कवर कर सकते बट लेट्स सी। अभी मैंने जाने का प्लान तो ड्रॉप कर दिया लेकिन इतनी गर्मी हो रही है सच्ची में, चेंज करने के बाद मुझे लगा मुझे लाइट फील होगा लेकिन नहीं। एक तो गोवा वो होंडा शोरूम में इतना टाइम लग गया, वरना मेरा प्लान फुल टू था बाहर जाने का, वो भी नहीं हो पाया। कोई नहीं, इसमें भी कोई बेहतरी होगी। तो चलो अभी मैं जाके बाहर थोड़ा लींबू सोडा वगैरह पीती हूँ और ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड संडे के दिन मैं प्रॉपर रील्स वगैरह बाहर के बना के डालूंगी। इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा बहुत फॉलो कर लेना, मौज पे भी मुझे फॉलो कर लेना जिन लोग का मौज पे अकाउंट है। एंड जो लोग मौज पे क्रिएट करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, उनका भी मोस्ट वेलकम, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वो लोग भी कर सकते हैं। एंड मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड ईद मुबारक टू यू ऑल। ऑल्दो ये ब्लॉग एक दिन बाद जाएगा ईद के, बट स्टिल कोई नहीं, मैनेज कर लेना।